इतिहास के पन्नों पर ऐसी कई कहानियां दफन पड़ी हैं जिन्हें हम पलटें तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी के बारे में बताने वाले हैं। ये कहानी है हंगरी की महारानी एलिजाबेथ बाथरी की। कहते हैं कि एलिजाबेथ बाथरी अपनी खूबसूरती बनाए रखने के लिए कुंवारी लड़कियों की हत्या कर उनके खून से स्नान करती थी। आइए जानते हैं क्या है पूरी कहानी। एलिजाबेथ बाथरी ने 1585 से 1610 के बीच लगभग 600 से भी ज्यादा लड़कियों की हत्या कर उनके खून से स्नान किया था। ऐसा कहा जाता है कि एलिजाबेथ ये काम अपनी खूबसूरती बरकरार रखने के लिए करती थी। उन्हें किसी ने ये सलाह दी थी कि कुंवारी लड़कियों के खून से नहाने से खूबसूरती बरकरार रहती है। एलिजाबेथ को यह तरीका इतना पसंद आया कि उन्होंने इसके लिए क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। सीरियल किलर होने के साथ ही एलिजाबेथ बाथरी वहशी और खूंखार भी थी। सीरियल किलर एलिजाबेथ लड़कियों को मारने के बाद उनके साथ बर्बरता और दरिंदगी करने से भी बाज नहीं आती थी। प्रचलित कहानियों के अनुसार वह मृत लड़कियों के शरीर के मांस को अपने दांतों से काटकर निकाल लेती थी। कहा तो ये भी जाता है कि एलिजाबेथ बाथरी के इस भयानक जुर्म में उसके 3 नौकर भी साथ देते थे। दरअसल में एलिजाबेथ बाथरी हंगरी के राज घराने से ताल्लुक रखती थी। एलिजाबेथ की शादी फेरेंक नेडेस्डी नाम के एक शख्स से हुई थी जो तुर्कों के खिलाफ युद्ध में हंगरी का नेशनल हीरो था। लड़कियों को अपने चंगुल में फंसाने के लिए एलिजाबेथ बहुत बड़ा जाल बुनती थी। एक ऊंचे रसूख वाली महिला होने की वजह से वो आसपास के गांव की गरीब लड़कियों को अपने महल में ऊंचे दामों पर काम करने का लालच देकर बुला लेती थी। मगर लड़कियां जैसे ही महल में आती वे उन्हें अपना शिकार बना देती। कहा जाता है कि जब इलाके में लड़कियों की संख्या काफी कम हो गई तब उसने ऊंचे परिवार की लड़कियों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। हंगरी के राजा को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने इस मामले की जांच करवाई। इस मामले को लेकर जब जांचकर्ता एलिजाबेथ के महल पहुंचे तो वहां का हाल देखकर दंग रह गए। दरअसल में जांच दल ने एलिजाबेथ के महल से कई लड़कियों के कंकाल और सोने चांदी के आभूषण बरामद किए। साल 1610 में एलिजाबेथ को उसके इस घिनौने जुर्म के लिए गिरफ्तार कर लिया गया, मगर ऊंचे रसूख वाली होने के चलते उसे फांसी की सजा नहीं मिली बल्कि उसे उसके ही महल के एक कमरे में कैद कर दिया गया। कहा जाता है कि इसी कमरे में कैद एलिजाबेथ बाथरी ने 1614 में अपनी आखिरी सांसें ली। कहा तो यह भी जाता है कि ऊंची रसूख वाली होने के कारण एलिजाबेथ बाथरी को इस कुकर्म के लिए फांसी नहीं दी गई थी बल्कि उनको उन्हीं के महल के एक कमरे में कैद कर दिया गया था जहां उन्होंने 1614 में अपनी आखिरी सांसें ली। मेरा नाम है उत्कर्ष, कैमरे के पीछे थे रविंद्र जी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।